बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को जहन्नम की आग से पनाह मांगने की एक दुआ बताऊंगा। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। दुआ सुनने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सकें। और लास्ट में इंशाल्लाह मैं पूरा इसका जो पोस्ट है ये पूरी दिखाऊंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, तो आज के बाद वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दिया करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहन्नम की आग से पनाह की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व रब्ब, क्या है, व रब्ब इसराफ़ील अऊज़ु बिका मिन हर्रिन्नार व मिन अज़ाबिल क़ब्र। फिर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व रब्ब इसराफ़ील अऊज़ु बिका मिन हर्रिन्नार व मिन अज़ाबिल क़ब्र। इसका मतलब है, ए अल्लाह, जिब्राईल और मीकाईल और इसराफ़ील के रब, मैं जहन्नम की आग की गर्मी और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अज़ाब और अज़ाब कब्र से अक्सर पनाह मांगते थे और उम्मत को भी यही सिखाया, क्योंकि आखिरत में इंसान का ठिकाना जन्नत या जहन्नम होगा। पस जो जहन्नम में चला गया वो हमेशा के लिए नुकसान और खसारे में रहेगा। इस दुआ को खुद भी याद कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।